क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में, कि ए वेटलेस बार ऑफ साइज 3 × 4 × 2। तो ये एक वेटलेस बार दिया है, ये जो दिख रहा थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एक बार है, और इसका डायमेंशन क्या दिया है, 3, मतलब यहां से 3 दिख रहा है, यहां पे 3 लिखा है। तो पहला इसने यहां पे देखो, यहां पे लिखने का अंदाज देखो क्या है इसका, कैसा लिखा है यहाँ पे, इसका डायमेंशन कैसा दिया है, 3:4:2। ठीक है, 3:4:2। तो ये जो 3 रहता है ना, हमेशा जो पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो x रहेगा, दूसरा y, तीसरा z। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि पहला क्या दिया है, 3 ना, तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पे 3 है। दूसरा 4, 4 किधर है, ये 4 है, 4 मीटर। तीसरा 2, 2 किधर है, ये 2 मीटर। ठीक है, तो डायमेंशन जब भी देते हैं तो पहला जो होता है वो एक्स एक्स एक्सिस का लेंथ होगा, डायमेंशन होगा, दूसरा वाई का और तीसरा जेड का होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमको क्या बोला गया कि फाइंड द मोमेंट ऑफ द 3 फोर्सेस। यहाँ पे देखो, 3 फोर्स है, ये 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन और ये 60 किलो न्यूटन का फोर्स है, 3 फोर्सेस है। और बोला गया कि फाइंड द मोमेंट अबाउट सॉलिड डायगनल ओ ए, ओ बी, ओ बी, ओ बी। ठीक है, जो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ओ बी हमारा ये है, ओ बी, यहां से ये, तो ये ओ बी जो है ना वो एक प्लेन पर नहीं है, अलग अलग प्लेन पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक बार दिया है और यहाँ पे 3 फोर्स एक्ट हो रहा है, 20 20 60, इसका मोमेंट निकालो अबाउट ओ बी। ठीक है, ओके, अब देखो शुरू कैसे करेंगे इस पे। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट जो हमको नोट करना है, जो यहाँ पे नया कंसेप्ट सीखने मिल रहा है हमको, कि फोर्स यहाँ पे देखो 20 20 60, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी फोर्स होगा उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, राइट ना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन। तो अब ये तीनों फोर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल यहाँ पे याद रखो, अच्छा हमको तो ये मालूम है कि भाई वेक्टर में कोई भी अगर मुझे फोर्स को एक्सप्रेस करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस वेक्टर जो भी मेरा फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर करते हैं हम लोग, वो इज नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन इफ अगर कोई फोर्स कोई भी एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है, अगर कोई फोर्स कोई भी एक्सिस को पैरेलल है, तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली उस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहां पे देखो, ये जो मेरा 20 किलो न्यूटन का फोर्स है वो किसको पैरेलल है, वाई को। तो अगर मेरा फोर्स इज पैरेलल टू, लेट से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है देन क्या हो जाएगा, देन जे के विल बी जीरो। इफ फोर्स इज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, तब क्या हो जाएगा, तब आई के जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई के जीरो का मतलब क्या, कि जे का कोएफिशिएंट जीरो, के का कोएफिशिएंट जीरो, आई का कोएफिशिएंट जीरो, के का कोएफिशिएंट जीरो। ठीक है, थर्ड केस क्या होगा कि अगर मेरा फोर्स इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, तब क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ आई विल बी जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ जे विल बी जीरो। क्लियर, तो ये जो बातें हैं ना उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना यहाँ पे, ये इस क्वेश्चन में ये एक नया कंसेप्ट है कि अगर कोई फोर्स कोई भी एक्सिस को पैरेलल होता है, तो बाकी जो रहेगा ना जे और के का कोएफिशिएंट वो क्या होगा, जीरो होगा। हम इसके यहाँ पे देखेंगे कैसे करना है, ठीक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे।
तो अभी ध्यान दो यहां पे क्या करना है हमें। ओके, फर्स्ट थिंग, फोकस किस पे करोगे? चेक कर लो कि यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहां पर है, पॉजिटिव एक्स यहां पर है, पॉजिटिव वाई यहां पर है, पॉजिटिव जेड यहां पर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेगेटिव एक्स जो रहेगा वो एग्जैक्टली इसके पीछे जाएगा, नेगेटिव वाई जो है वो एग्जैक्टली ओरिजिन के पीछे जाएगा, और जो मेरा जेड है नेगेटिव जेड वो एक्चुअली नीचे आएगा। ठीक है, राइट? तो देखो, ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये वाई हो, ये एक्स कर दे, ये जेड कर दे, कुछ भी कर देगा। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या बनता है कि जब भी कोई भी मेरा फोर्सेस इन स्पेस पे कोई भी सम्स आए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्स एक्सिस कौन सा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस को पहले क्लियरली डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, हर एक पॉइंट का मुझे भी क्या चाहिए, कोएफिशिएंट, कोऑर्डिनेट चाहिए, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब देखो कि अब इधर भी ना हमको थोड़ा सा स्मार्टली पॉइंट को चेक करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। अब मैं ये डी बी ई ये सब पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट नहीं निकालूंगा, मैं किसका निकालूंगा, सी का निकालूंगा कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि मेरा जो फोर्स 20 किलो न्यूटन है वो कहां पे लग रहा है, सी पे लग रहा है, तो मैं सी का निकालूंगा। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं सी का कोएफिशिएंट क्या रहेगा। सी का कोएफिशिएंट देखो, सी एग्जैक्टली है कहां पर है, सी जो है ना, ये देखो, ये जेड और वाई प्लेन पर है। इसको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश किया करो, इसको जरा ध्यान से देखो कि इसको इमेजिन करो कि ये जो मेरा पीछे वाला जो सरफेस है ना, ये सरफेस दिख रहा है, डी सी जी ओ, ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस, ये प्लेन एक्चुअली किसके ऊपर बैठा हुआ है, किसको टच कर रहा है, वो प्लेन जेड वाई को टच कर रहा है। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर कोई पॉइंट किसी प्लेन पर हो, ठीक है, अब ये जो मेरा पॉइंट है वो किस पर है, वो वाई जेड प्लेन पर है, तो उसका एक्स 0 हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, 0। अब वाई क्या रहेगा, वाई देखो ओरिजिन से क्या है, पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वाई की तरफ, तो हम लोग कितना लेंगे, ये पॉजिटिव वाई, इस वाई को पैरेलल डायमेंशन कौन सा है, वाई, तो ये क्या रहेगा, 4। ठीक है, उसके बाद जेड क्या रहेगा उसका, जेड पॉजिटिव 2। देखो, जस्ट जस्ट इमेजिन करो कि अगर मुझे ये पॉइंट सी को लोकेट करना है, अबाउट पॉइंट ओ, ओरिजिन से अगर मुझे सी की तरफ जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, यहां से सीधा वाई डायरेक्शन में जाऊंगा, फिर यहां से सीधा ऊपर जाऊंगा जेड डायरेक्शन में पहुंच जाऊंगा मैं, यहां से वाई में जाओ by 4, यहां से जेड में जाओ by 2। तो मुझे एक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक्स मतलब किधर, ये एक्स है ना, एक्स यहां पर है, तो यहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, ओके, तो ये सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 4, 2। ओके, ओरिजिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0, 0, 0 होता है। ओके, सी का हो गया, जी का बताओ, जी का क्या रहेगा, जी जो है वो एक्सिस पर है, इट इज इन लाइंग ऑन वाई एक्सिस, तो अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे होता है तो उसका बाकी दो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो यहां पे क्या यहां पर है, ये जी वाई एक्सिस पर है, तो उसका एक्स और जेड 0 हो जाएगा, x 0 z 0। अब मुझे डिफाइन क्या करना है, वाई, वाई डिफाइन करना है। तो जस्ट इमेजिन करो कि तुम ओरिजिन पे खड़े हो, ओरिजिन से तुमको कहां पे जाना है, जी के पास जाना है, तो कैसे जाओगे, सीधा वाई डायरेक्शन में जाओगे by 4 + 4, तो ये हो गया जी का कोऑर्डिनेट। ठीक है, सिमिलरली अब मैं एफ का भी निकालूंगा पॉइंट, एफ का क्यों, क्योंकि ये जो मेरा फोर्स है ना 60 न्यूटन, वो कहां पे एक्ट हो रहा है, एफ पे एक्ट हो रहा है, तो मेरा जो एफ वाला जो पॉइंट है वो ध्यान से देना कि देखना कि ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, इसका जो नीचे का जो मेरा सरफेस है, नीचे का सरफेस कौन सा सरफेस, ओ ई एफ जी, नीचे वाला सरफेस, एकदम नीचे वाला, ऊपर वाला सरफेस का नाम क्या है, डी सी बी ए, ये ऊपर वाला सरफेस, उसके एग्जैक्टली नीचे वाला सरफेस कौन सा है, ई एफ जी ओ, ओ जी एफ ई, नीचे वाला सरफेस। तो ये नीचे वाला सरफेस है ना, वो मेरा जो एक्स और वाई
प्लेन है उसके ऊपर बैठा है। उसका मतलब मेरा जो एफ पॉइंट है वो कौन से प्लेन पर है, वो एक्स वाई प्लेन पर है, मतलब उसका फिर जेड जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब चेक करो, तुम अगर ऐसे ही देखो तो मालूम पड़ जाएगा, अगर ये ऐसा समझ में नहीं आ रहा ना कि ये कौन से प्लेन पर है, तो बेस्ट क्या है कि ओरिजिन से अपना ट्रैवल शुरू करो। तुमको ओ से जाना है एफ की तरफ, तो तुम क्या करोगे, यहां सीधा पॉजिटिव एक्स में आओगे, फिर यहां से क्या करोगे पॉजिटिव वाई में जाओगे, राइट। तो पॉजिटिव एक्स से कितना है तुम, थ्री, पॉजिटिव वाई में कितने जा रहे हो, फोर। मुझे ऊपर जाने की जरूरत पड़ी नहीं, यहां पे सीधा तुम क्या होगे एफ के पास आ गए, ओरिजिन से शुरू करोगे। अगर तुम्हें कंफ्यूज हो रहा है ना प्लेन का, तो बेस्ट ट्रिक क्या है कि तुम सीधा ओरिजिन से जाना शुरू करो, ओरिजिन से। ठीक है, तो यहां से सीधा क्या करोगे एक्स की तरफ आए बाय थ्री, फिर यहां से चले गए वाई के एफ के पास बाय 4 मीटर। अच्छा, अब मुझे एक और का करना पड़ेगा, ओ का तो ओरिजिन है 0,0,0, बी का भी मुझे करना पड़ेगा, बी का। ठीक है, बी का मैं बी का कहां, यहां पे लिख दूं बी का, यहां पे लिखता हूं बी का। चलो शुरू करो, ओरिजिन शुरू करो, मुझे ओरिजिन से बी के पास आना है, तो मैं कैसे आऊंगा, यहां से पहले एक्स आऊंगा चल के, कितना कितना चल के आऊंगा, यहां से एक्स, एक्स किसको पैरेलल है, थ्री को ना, तो थ्री चल के आऊंगा मैं यहां तक, यहां से यहां तक आऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहां से एफ के पास जाऊंगा बाई 4, तो यहां पे 4। ठीक है, इसके बाद तुम यहां पे आ गए, लेकिन मुझे बी के पास तो नहीं जाना है, मुझे एफ के पास तो नहीं जाना है, मुझे कहां जाना है, बी के पास जाना है। फिर यहां से भी मैं क्या करूंगा, ऊपर की तरफ जाऊंगा बाई, यहां से ऊपर की तरफ बाई, कौन सी डायरेक्शन में, वो जेड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, इसलिए 2। ठीक है, तो हमने क्या किया एज यूजुअल कि हमें मालूम है कि फोर्सेस इन स्पेस में पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चीज पॉइंट का कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जितने भी फोर्स हैं उस फोर्स को मुझे किस में एक्सप्रेस करना है, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करना है, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, और इस केस में जो मेन चीज जो इस प्रॉब्लम में सीखना है हमको कि यहां पे जो मेरा फोर्सेस है वो क्या है, पैरेलल है, किसको पैरेलल है, एक्सिस को पैरेलल है। तो अब देखो इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका क्या, देखो ये जो है ना ये फोर्स 20 किलो न्यूटन, वो किसको पैरेलल है, वाई को। ठीक है, तो मैं ये जो 20 को मैं ऐसा नाम दे रहा हूं, देयरफॉर एफ बार सी नाम दे रहा हूं, क्योंकि सी पे एक्ट हो रहा है, तो एफ बार सी। ये जो फोर्स है मेरा 20 किलो न्यूटन, वो किसको पैरेलल है, वाई को। वाई मतलब जे, ठीक है, वाई मतलब जे। अब हमने यहां पे देखा था ना कि अगर अगर वाई को पैरेलल है तो मतलब आई एंड के, आई का कोएफिशिएंट, के कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मेरा क्या होगा, जीरो आई। ठीक है, देखो वाई जब फोर्स वाई को रहेगा ना पैरेलल, तब क्या होता है, आई का कोएफिशिएंट जीरो, के का कोएफिशिएंट जीरो होगा अभी। ठीक है, बाद में मैं जीरो लिखूंगा, बीच में क्या है आई जे है ना, जे जे मतलब क्या, वाई एक्सिस। तो ये वाई को पैरेलल है, वाई को पैरेलल है, कितना है 20, तो मैं यहां पे लिखूंगा 20 जे। ठीक है, जीरो आई 20 जे एंड 0 के। ठीक है, अब ध्यान ये देना कि ये जो मेरा फोर्स है वो कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, इसलिए ये बन जाएगा पॉजिटिव, और बाकी तुम पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये मेरा फोर्स कितना हो गया, ये मेरा हो गया पॉजिटिव 20 जे। सो दिस इज हाउ यू विल एक्सप्रेस एनी फोर्स पैरेलल टू एनी पर्टिकुलर एक्सिस। प्लीज ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे ये सब चीजें हमको मालूम होनी चाहिए, बेसिक्स है मालूम मुझे, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा फोर्स देखो यहाँ पे कौन है, ये 20, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ एफ बार जी, जी पे एक्ट हो रहा है। अगेन एफ, ये जो 20 किलो न्यूटन है, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है ना, पैरेलल किसको, इट इज एक्चुअली लाइंग ऑन दी वाई एक्सिस, तो एनीथिंग लाइंग ऑन दी वाई एक्सिस इज ऑल्सो पैरल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, पैरल टू वाई एक्सिस मतलब उसका
आई कोएफिशिएंट ऑफ आई क्या हो जाएगा, जीरो, कोएफिशिएंट ऑफ के भी जीरो। अब ये पैरेलल टू वाई है, कितना है 20, तो यहाँ पे क्या आएगा 20j आएगा। ठीक है, इस केस में मेरा 20 कहाँ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और बाकी जो है वो क्या है, तुम प्लस लिखो माइनस लिखो जीरो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -20j। ठीक है, तो ये जब भी मैं देखूंगा ना कोई भी फोर्स इज 20j, तो ये समझ में आता है कि दिस फोर्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। साफ साफ समझ में आता है कि इट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। बचा ये मेरा फोर्स 60 किलो न्यूटन का फोर्स, कहां पे एक्ट हो रहा है, एफ पे एक्ट हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स एफ इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू, अब ध्यान दो दिस 60 इज पैरेलल टू जेड जेड। ठीक है, अब जीरो कौन होगा, आई जीरो होगा और जे जीरो होगा, तो यहां पे जीरो आई प्लस जीरो जे, ये क्या है पैरेलल टू जेड, मतलब के कितना, के 60 के। अब ध्यान दो कि ये जो 60 है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव जेड में, तो यहां पे क्या आएगा प्लस, तो ये पूरा क्या बन जाएगा मेरा वैल्यू 60 के। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये जो फोर्स है ना जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 20 किलो न्यूटन एक्टिंग एट पॉइंट सी, तो मैंने उसको एक्सप्रेस किया किसमें, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया, वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस अबाउट लाइन ओबी, अबाउट लाइन ओबी। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करेंगे उसको, सबसे पहले क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स, मैं यहां पे एफ सी नहीं लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं नहीं लिखता हूं, चलो फोर्स एफ सी अबाउट ओरिजिन, कैसे करोगे। अच्छा, इसको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देखो हमको क्या करना है, तीनों फोर्स का मोमेंट अबाउट लाइन ओबी निकालना है। तो हम लोग इनिशियली क्या करते हैं, हमेशा लेट्स से फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर मुझे ये फोर्स है ना 20 का, उसका मुझे मोमेंट निकालना है अबाउट लाइन ओ बी, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी एक पॉइंट के अबाउट उसका मोमेंट निकालते हैं, उसके बाद फिर ओ बी के अबाउट मोमेंट निकालते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि मैं पहला सबसे पहले क्या करूंगा, ये फोर्स लूंगा 20, उसका मोमेंट निकालूंगा अबाउट ओ, दूसरा फोर्स लूंगा उसका मोमेंट निकालूंगा अबाउट ओ, तीसरा फोर्स लूंगा उसका मोमेंट निकालूंगा अबाउट ओ। ठीक है, तीनों को मैं ऐड कर दूंगा, तीनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ। अब वो सारे फोर्स को मैं लेके क्या करूंगा, अबाउट ओ बी निकाल लूंगा, अबाउट लाइन ओ बी मोमेंट निकाल लूंगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा मोमेंट अगर मुझे निकालना है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, क्या है ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है, कहां से क्या डिफाइन करूंगा, ये इसका पोजीशन डिफाइन करना है मेरे को, सी का कहां से करना है, ओ से, तो क्या लिखूंगा मैं, ओ सी, मतलब ओ से सी तक का पोजीशन डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, इनटू फोर्स सी, ऐसे ही है ना, इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, ऐसे लिखते हैं कुछ आई जे के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। यहां पे क्या आएगा, ये मेरा पोजीशन वेक्टर का कोएफिशिएंट आएगा, कैसे निकालते पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते, मुझे क्या करना है ओ सी निकालना ना, तो मतलब क्या करूंगा मैं सी माइनस ओ कोऑर्डिनेट करूंगा। अभी ओरिजिन ओ मतलब क्या, ओरिजिन उसका क्या होता है कोऑर्डिनेट, 0,0,0। तो कैसे निकालेंगे हमें पोजीशन वेक्टर, 0 माइनस 0 इज 0, तो मैं यहां पे लिखता हूं ये दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, आई कोएफिशिएंट 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 4 माइनस 0, 4। ठीक है, 2 माइनस 0, 2। अब फोर्स ये क्या है, एफ सी किधर है, एफ सी देखो ये है ना 20j, इसका मतलब क्या है कि आई का कोएफिशिएंट कितना है इसमें, 0, जे का कितना है 20, के का कितना है 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, यहां पे आई का कॉलम और रो छोड़ दूं तो क्या मिलेगा, 40, ये तो 0,
माइनस फोर्टी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सॉल्व कैसे होगा, ये कॉलम ये रो छोड़ दो तो क्या बचा, 4 × 0 0 माइनस, क्या होता है, 4 × 0 0 माइनस 2 × 4 40, ये आई होगा प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि ये क्या होता है प्लस, फिर सेकेंड क्या होगा माइनस, ये जे का कॉलम और रो छोड़ दो तो 0 × 0 माइनस 0 × 2 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 जे। के निकालना है अभी, तो के का कॉलम और रो छोड़ दो तो क्या होगा 0 × 2 20 0 माइनस 0 × 4 0, तो ये भी क्या होगा माइनस या फिर प्लस 0 के। तो यहां पर अगर 0 है तो प्लस माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे ये इसका वैल्यू क्या मिला, -40i। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, दूसरा फोर्स लूंगा, उसका मैं क्या निकालूंगा, अगेन मोमेंट ऑफ फोर्स एफ जी अबाउट ओ, दैट इज आर जी ना, तो ओ से जी का मैं पोजीशन डिफाइन करूंगा, ओ जी इंटू एफ जी इज इक्वल टू आई जे के। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, अभी जी का कोऑर्डिनेट माइनस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, तो 0 − 0 0, उसके बाद 4 − 0 4, 0 − 0 0, और यहाँ पे फोर्स का क्या है वेक्टर क्या रहेगा, दिस इज 0, आई जे आई का कोएफिशिएंट क्या है 0, जे का कोएफिशिएंट क्या है -20, के का कोएफिशिएंट क्या है दैट इज 0। सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, क्या मिलेगा सॉल्व करने से इसको, अगर मैं इसको आई और ये 0 0 जाएगा -0 0, यहाँ पे 0 0, ये मुझे क्या मिलेगा 0i + 0j + 0k, मतलब एज गुड एज 0 है, एज गुड एज क्या है 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ये फोर्स का मोमेंट निकाला अबाउट ओ, इसका मोमेंट निकाला अबाउट ओ, अब किसका निकाला है मोमेंट, 60 का अबाउट ओ निकालना है। ठीक है, तो यहां पे कैसे लिखेंगे, यहां पे हम लोग मोमेंट वेक्टर ऑफ फोर्स कौन सा, ये है एफ अबाउट ओ इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ओ एफ इंटू फोर्स एफ इज इक्वल टू आई जे के। ठीक है, पोजिशन वेक्टर ओ एफ मतलब एफ का कोएफिशिएंट माइनस ओ का कोएफिशिएंट, एफ कितना है 3 − 0, ठीक है, यहां पे सब 0 0 है ना, ओरिजिन में क्या होता है 0 0 0, तो यहां पे क्या रहेगा 3 − 0 3, 4 − 0 4, 0 − 0 0। ठीक है, तो हम लोग यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख दो, यहां पर डायरेक्टली लिख लो 4 3 4 0 लिख देंगे यहां पर, और ये फोर्स क्या है, फोर्स एफ वेक्टर 0 0 60, तो यहां पे आएगा 0 0 60। ठीक है, इसको एज यूजुअल अगर हम लोग उसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा वैल्यू, दैट इज 240i -180j, 240i -180j। ठीक है, राइट, अब क्या करना है हमको यहां पे, ये जो तीनों फोर्स का जो मोमेंट मिला मुझे, एक दो तीन, तीनों को ऐड करना है। ठीक है, क्या करेंगे, तीनों को ऐड करना है, तो मैं ऐसे लिखता हूं, द मोमेंट वेक्टर ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ओ इज क्या रहेगा, एफ सी अबाउट ओ मोमेंट एफ जी अबाउट ओ मोमेंट वेक्टर एफ एफ अबाउट ओ। ठीक है, तो इसका मुझे पहला क्या मिला, मोमेंट ऑफ फोर्स एफ सी अबाउट ओ दैट इज -40i, मोमेंट ऑफ एफ जी क्या मिला 0, प्लस मोमेंट ऑफ
फोर्स एफ अबाउट ओ क्या मिला, दैट इज 240i-180j। तो ये मेरा पूरा मेरा वैल्यू कितना है, कीजिए अब ये आई आई दोनों को कट करो तो क्या हो जाएगा वैल्यू, टोटल करेंगे तो मुझे मिलेगा 200i-180। सो दिस इज द टोटल मोमेंट, क्या ये टोटल मोमेंट है, ठीक है समझ में आ रहा है क्या किया हमने। बस फिर से मैं रिवाइज कर दूं चीजों को, सिंपल है। हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ फोर्स 20 अबाउट ओ निकाला, मोमेंट ऑफ फोर्स 20 अबाउट ओ निकाला, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ऑफ 60 अबाउट ओ निकाला। बाद में क्या किया, तीनों को हमने प्लस कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, टोटल मोमेंट ऑफ ऑल फोर्स अबाउट ओ इन वेक्टर फॉर्म मिल गया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या अभी, अभी ये जो फोर्स है उसको मुझे क्या करना है, उसका मोमेंट निकालना है अबाउट लाइन ओ बी, अबाउट लाइन ओ बी, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसका फॉर्मूला क्या है, देखो इक्वेशन क्या है, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं उसको, इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग ओ बी, ये है ना फॉर्मूला, राइट फॉर्मूला तो यही है, ठीक है। तो अच्छा गलती मैंने क्या किया यहां पे, गलती मैंने क्या किया, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये इक्वेशन किसके लिए है, ये दिस इज फॉर स्केलर, ठीक है, किसके लिए ये स्केलर, तो यहां पे ये बार नहीं आना चाहिए, ठीक है, छोटी छोटी बात है ध्यान रखना उसको। अब क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे ये तो इक्वेशन मालूम है, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, अभी ये यूनिट वेक्टर अलोंग ओ ई कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं सीधा यूनिट वेक्टर अलोंग ओ बी निकालूंगा, तो कैसे करोगे, ये बी का कोऑर्डिनेट माइनस ओ का कोऑर्डिनेट एंड फिर अंडर रूट ऑफ करके करना है हमको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ मुझे क्या मिला, दैट इज 0.55i+0.74j+0.37k, ठीक है। तुम लोग डायरेक्टली मत लिखो, तुम लोग उसको कैलकुलेट करो। अब ये इस इक्वेशन में डाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे यहां पे स्केलर वैल्यू, मतलब क्या मैग्नीट्यूड मिलेगा, किस चीज का मिलेगा मेरे को मैग्नीट्यूड, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्स अबाउट ओबी, अबाउट लाइन ओबी मिलेगा। ओबी तुम कर पा रहे हो इमेजिन, ओबी किधर है, ये वाला ओबी यहां पर है ओबी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हर एक फोर्स का मोमेंट अबाउट ओ निकाला, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ बी निकालेंगे मैग्नीट्यूड, और उस मैग्नीट्यूड को हम लोग बाद में क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो अभी क्या होगा, यहां पे ये वैल्यू मुझे मालूम है 200i-180j इंटू 0.55i+0.74j इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, कैसे करेंगे उसको भी, यहां पे सिंपल आई इंटू आई का कोएफिशिएंट करो प्लस जे इंटू जे का कोएफिशिएंट करो प्लस के इंटू के का कोएफिशिएंट करो, तो हमको कितना मिलता है मैग्नीट्यूड, यहां पे -22.28 मिलेगा किलो न्यूटन मीटर, ठीक है राइट ओके। अब इसके बाद हमारा क्या स्टेप है कि ये जो मुझे यहाँ पे वैल्यू जो मिला स्केलर वैल्यू, मुझे उसको क्या करना है, किसमें एक्सप्रेस करना है, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो एम आर एफ ओ बी इज इक्वल टू, ये जो मेरा वैल्यू आया मैग्नीट्यूड वो यहां पे आ जाएगा, देखो दोनों में फर्क है,
दोनों में फर्क है, इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग ओबी। क्या ये वैल्यू मुझे क्या मिला यहाँ पे, -2.28 इनटू यूनिट वेक्टर, ये मुझे मिल चुका है ऑलरेडी यहाँ पे। तो 0.55 i प्लस 0.74 j प्लस 37 k, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे भी आंसर क्या मिलेगा, -16.548 i -8.274 j -12.41 k। किलो न्यूटन मीटर। तो ये जो मुझे वैल्यू मिला है यहाँ पे, ठीक है, तो दिस इज दी माई रिक्वायर्ड आंसर, यूनिट इज किलो न्यूटन मीटर। व्हाट इज द यूनिट, किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो इस तरीके से हमको करना है। मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या किया यहाँ पे। दिख रहा है बहुत बड़ा, लेकिन इतना कोई यहाँ पे बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है नहीं। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, फोर्स को एक्सप्रेस कर दिया वेक्टर फॉर्म में। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड मोमेंट ऑफ ऑल फोर्स अबाउट ओबी, ये पूछा था हमको। तो अबाउट ओबी क्या है, ओबी एक लाइन है, एक्सिस है, ठीक है, पकड़ के चलो। तो हमने क्या किया, हमको मालूम है कोई भी अगर फोर्स का मोमेंट अगर किसी भी लाइन से निकालना होता है, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, उस लाइन का कोई भी एक पॉइंट से हम लोग पहले उसका मोमेंट निकाल लेते हैं, फोर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने कि ये जो मेरा फोर्स है 20, उसका निकाला मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये फोर्स का अबाउट पॉइंट ओ निकाला, मिल गया। उसके बाद ये 60 का अबाउट पॉइंट ओ निकाला, मिल गया। फिर क्या किया हम लोगों ने, तीनों को ऐड कर लिया, ये एक दो ये तीन, तीनों को ऐड कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ओ मिल गया इन वेक्टर फॉर्म। अभी ये जो मुझे क्या मिला, पूरा फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ मिल गया। अब मैं उस वेक्टर को यूज करूंगा टू फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग लाइन ओबी, ठीक है। तो जब हम लोग ओबी का निकालते हैं लाइन, तो हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम लोग पहले स्केलर वैल्यू निकालते हैं। स्केलर को फिर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, यहां पे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको, ठीक है।